अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं असद अमीर। तो चलते हैं अपने गेम की तरफ। तो गाइस, आज का हमारा जो गेम है वो है स्टे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गाइस हमारी कैट जो है वो गई थी अपने कुछ दोस्तों के साथ खाने वाने ढूंढने, कुछ एडवेंचर करने, बट वो किसी तरह एक खड्डे में गिरती है और जो वो पहुँच जाती है किसी डेथ सिटी के अंदर, जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ रोबोट्स हैं, और वहाँ पर कुछ अजीब डरावने किस्म के कीड़े हैं जो हमें मार देते हैं। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर होने वाली है। तो आपके हाथ में हेडफोन है तो हेडफोन लगा लें या टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लें। तो गाइस चलते हैं, अब रूम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ओके, हमारे पास ये यूज़ आइटम, ओके, टॉर्च लाइट है मेरे पास। तो गाइस यहाँ पे कुछ डिजिट्स हैं, मुझे टाइप करना पड़ेगा 1, 2, 3 और 4। ओल्डर बस 4, 3, 2, 1, टैप एग्जिट। तो गाइस यहाँ कुछ पैटर्न लॉक है, तो मुझे पैटर्न ढूंढना है। और यहाँ वेट, यहाँ पे कुछ पैटर्न है 2, 4, 6, 6। ठीक है, 2, 4, 6, ओके। तो गाइस ये कोड नहीं है, कोड कुछ और, यहाँ पे कुछ दीवार पे लिखा हुआ है हेल्प, ओके। ओ टन टन म्यूजिक बजा दिया गाइस हमने, सही वाला। वेट, तो गाइस यहाँ भी किसी किस्म का कोड लिखा हुआ है 3748। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं 3748। ओके 3748, ओ बिंगो, नाइस। चलो खोलते हैं इसको, चल के देखते हैं बाहर का मौसम वेदर कैसा है। लुक दिस प्लेस, ठीक है यार, मुझे ज़्यादा इससे बात नहीं करनी फिलहाल। मेरे पास एक एआई रोबोट है जिसका नाम B12 है, और सिटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस। देखो ये अजीब से कुछ जाले वाले लगे हुए हैं, और वो खून पीने वाले मॉन्स्टर जो थे, वो मॉन्स्टर थे, चूहे थे, जो भी थे, वटेवर, उनसे मेरा सामना ना हो, बहुत डेंजर है। वो चिपक जाते हैं यार आगे बॉडी से, मतलब अजीब सा लगता है यार, मतलब बता नहीं सकता मैं गाइस आपको। ठीक है, व्हाट आई रिमेम्बर द आउटसाइड, ठीक है, आई फील लाइक हैव बीन देयर बिफोर, इज देयर, यार बस लंबी नहीं कर यार, स्किप। मैं समझ गया तुझे क्या कहना, तो वो मेमोरी कुछ मिल गई है अपनी, ब्रांडेड न्यू आइटम। बैड वाली मेमोरी, हाउ डिड यू गेट इट, तो गाइस हमारी मेमोरी 3% रिकवर हुई है मेरे, नहीं सॉरी, ये एआई रोबोट की, इसका नाम B12 है। ओ भाई बड़ी लंबी जंप मार दी हमने तो। तो गाइस वो खून पीने वाले जो मॉन्स्टर चूहे थे वो फिर से मुझे नज़र आ रहे हैं। अरे उछल के आया, उछल के आया, भाग ले भाग भाई, ये पीछे ना पड़ जाए मेरे। ओ भी पीछे पीछे ही है, वो आ गए तो सारे एक साथ आ गए। तो गाइस सामने एक मुझे रोबोट दिख रहा है, मुझे इससे ख़तरा है क्या, चल के पता लगाते हैं गाइस क्या माजरा है यहाँ का। अरे ये तो मुझसे मुझको देख के भाग रहा है, हैं? अरे इसने अलार्म बजा दिया और हमें देख के भाग गया ये, इसको लग रहा कोई अलग ही चीज आ गई यहाँ पे। भाई यहाँ तो कुछ और ही सीन हो गया, वो देखो वो देखो ये भी भाग रहे हैं। अबे क्यों भाग रहे हो भाई, क्या देख लिया, बिल एक कैडी तो है, वो देखो। अरे अरे अंकल अंकल टांगे टूट जाएंगी, बहुत जिम्मेदार नहीं होगा फिर, मैं जोड़ ले लेगा। गाइस यहाँ तो उल्टा ही सीन हो रहा है, मुझे लगा था शायद मुझे इनसे खतरा होगा, मगर अपन यहाँ पे शेर है, बब्बा शेर है। ये देखो कैसा गिरते पिड़ते भाग रहे हैं। अबे आराम से भाई आराम से, बैटरी लुल हो जाएगी तुम्हारी, फिर बोलोगे थोड़ी देर चले और लुल हो गए। ओ अरे भागते भागते और आ गए। तो गाइस मुझे लग रहा है मुझे इससे डरने की ज़रूरत है, शायद ये मुझसे डर नहीं रहा और ये मुझसे लग रहा लड़ाई करेगा। ओके
ओके तो गाइस अब चलते हैं इसके पास। ठीक है, अलार्म एक्टिवेट हुआ हुआ है। किस लैंग्वेज में बोल रहा भाई? ओयो ओयो दिस दे सीम टू हैव देयर ओन लैंग्वेज। यू आर नॉट जक्स। ठीक है, यू आर नॉट फेमिलियर विद योर काइंड। ठीक है, यू आर नॉट वेलकम इन आर विलेज एज लॉन्ग एज यू डोंट ईट एनी वन। बिल्कुल भाई, मैं कोई लोहे धातु या लोहे की चीज़ थोड़ी खा सकता हूँ। घास फूस चिकन विकन खाने वाली बंदी है हमारी। तो गाइस मेरे ख्याल से ये अलार्म ऑफ करवा रहे हैं। ठीक है, नाइस। ओ भाई, ये जो डर रहे थे हमसे, ये शायद अभी भी हमसे डर रहे हैं। और यहाँ की सारे स्टोर वगैरह भी ओपन हो गए। भाई मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्यों इतना डर रहे हो? तो लेट्स टॉक टू गार्डियन। गाइस गार्डियन यू लुक लॉस्ट, व्हाट डू यू नीड? ठीक है, आइटम शो करते हैं हमें। ओ अ पिक्चर ऑफ द आउटसाइड डेकलेस। ठीक है, नेक्स्ट डे दिस एवेलेटर इज नॉट ऑपरेशनली एवन नॉ डेट इज इम्पॉसिबल टू लीव दिस प्लेस वेल एक्सपेक्ट द आउटसाइडर बट दे ऑल गो नाउ एक्सपेक्ट मोमो। हुज मोमो? यू कैन ट्राई टू टॉक टू हिम इफ यू वांट बट ही गेव अप ऑन ट्राइंग टू लीव इट्स फ्रॉम द बेस्ट। ठीक है, ही लिव हाई अप इन द बिल्डिंग विद ए ऑरेंज नियॉन साइन। ठीक है, तो गाइस यहाँ कोई इस ऑरेंज साइन के पास, ये इस ऑरेंज साइन के पास कोई मोमो नाम का रोबोट रहता है, हमें उससे मिलना है जो यहाँ से जाने में हमारी मदद कर सकता है और हम फिर से अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। बट हम थोड़ा सा इस सिटी को घूमते हैं, इंजॉय करते हैं इस सिटी में। ये कौन है भाई? ओ वेट, हेलो, आई एम म्यूजिशियन बट आई डोंट हैव एनी सॉन्ग। अभी तो काय का म्यूजिशियन है भाई। ठीक है भाई, ते बाद बैठना फजूल है। ये क्या है? तुक्का लगा भाई। ओ भैया तुक्के माल पानी भरा रहा है। ये हम इसको पी सकते हैं क्या? नहीं गाइस, इसको भी एग्जामिन कर सकते हैं, पी तो सकते हैं नहीं है। ठीक है, ये बंदा पेड़ काट रहा है। अच्छा यहाँ जाते हैं। ओ भाई ये चले जाओ अंदर गार्डियन भाईजान, मानना नहीं, ये तो वहाँ कारपेट ख़राब करूँगा पहले मैं। ठीक है, हो गया। ओ गाइस ये सो रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये सोते हुए। अरे उठा दिया, टैप टू एंड, वो फिर सो गया। ये देखो सोते हुए जो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन, नहीं जैसे बंदा फुल सोते हुए खराटे ले रहा है, ये बिल्कुल वही सीन है यहाँ पे। ये सारे के सारे आराम फरमा रहे हैं, ओढ़िया और नेस्तियों। अरे हमें क्या करना है, सोते रहो भाई, हम चलते हैं अपने मंजिल को। हमें जाना है मोमो से मिलने, तो मोमो से जाने का रास्ता कहाँ है भाई? ये रहा, ये एक रास्ता है। मैं ज़्यादा सिटी को इन्जॉय नहीं करना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के पास चला जाऊँ। ओके, बड़ी लंबी जम मान ली हमारी बिल्ली ने। तो गाइस सिटी में इंसान नहीं है, थे कोई वायरस वायरस फैला वैला होगा मेरे ख्याल से। दैट सेम स्टोरी। ओ ये कैच कैच खेल लें। भाई ये बात करने के मूड में नहीं है, इसको हम डरा भी नहीं सकते, दोस्ती हो गई हमारी। तो मेरे ख्याल से ऑरेंज नियॉन लाइट इसी के ऊपर है। ओके, तो गाइस हम ये ऑरेंज नियॉन लाइट के पास पहुंच गए, यहीं रहता है मोमो, और हम मोमो के पास भी आ गए। हेलो मोमो, हाउ आर यू? अरे मोमो गुस्से में हमारा भाई। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? इट्स नेवर गोइंग टू वर्क, व्हाई डिड आई लेट देम गो, आई एम ऑल अलोन नाउ।
हे यू वांट डू वांट हे यू व्हाट डू यू वांट। बेचारा ऑफ द आउटसाइड डू यू वांट टू गो देयर। बिल्कुल। वेल डन ब्रदर, इट्स माय वेस्ट ऑफ टाइम, विल ब्रिंग यू ओनली लोन लाइंस एंड डिस्पेयर। माय फ्रेंड हैड हिज ड्रीम टू बट नाउ दे गॉन एंड आई एम ऑल अलोन। आई डोंट नो वेर दे एंडेड अप। ट्राई टू कॉन्टेक्ट दैट देम बट दैट ट्रांसफर डजंट वर्क। My friend and look not of all research about the outsider. He talk mine if you really want to go there. Momo's notebook. तो guys, guardian new item. ठीक है, मुझे ये notebook collect करनी है चार. फिलहाल मेरे पास एक आई है. You are one or your own. I am done with the outside. Good luck. ठीक है brother. Momo seemed very sad. He missed his friend. Okay, let him check the notebook he gave us. The outsider. Okay, we must stay away from the looks. Science, cinematic, Zebra, Doc, and Momo looks. ठीक है यार, बस कर मोमो, तू भी शुरू हो गया, ले देखिए। तो गाइस मुझे वो कुछ काम का है अपने, कुछ भी काम का नहीं है भाई। ओहो, अबे लो, उल्टा उल्टा हो गया, कोई नजर नहीं आया, चल नहीं पा रही है बिल्ली हमारी, ये उल्टी उल्टी हो गई है। ओह अच्छा, वो खत्म हो गया, अब नहीं पहनने वाला मैं इसको। तो गाइस थोड़े से बस रूम की तलाशी लेंगे। ये क्या है तो भाई, B12 कुछ मेमोरी आ गई तो मैं B12 की कुछ मेमोरीज आ गई थी, मैं इसको सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था। ये बहुत पकाने लगा है मुझे B12 रोबोट। तो गाइस चलते हैं, ढूंढते हैं क्या। ओ भाई बिल्ला खेलना हमारा, सो नाइस, क्यूट बिल्ली हमारी। चलो ये क्या है, होशियार कैट। ठीक है, दिस स्वैम्बल ऑन द वॉल मैच दी वन ऑफ द नोटबुक। ठीक है गाइस, हमें एक स्वैम्बल मिला है, हम यहाँ जाते हैं और यहाँ सर्च करते हैं कि हमें हमारी बुक मिली है। दैट सीम्स लाइक अ लीड। ठीक है टाइम, ओके अब शॉर्टकट है। ओके नाइस, चलो रास्ता भाई जल्दी रास्ता निकालो ढूंढ ढूंढ के। तो गाइस हमें फटाफट नोटबुक ढूंढनी है ताकि हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। टेक्स्ट म्यूजिक सेलेक्ट। अबे मैं म्यूजिक का क्या करूँगा, मुझे बुक चाहिए। असाइनमेंट बुक, ठीक है 4। तो गाइस हमें इतना असल, अगर मैं एग्जामिनेशन में लिखता ना तो मैं आज बहुत अच्छा होता, एग्जाम में टॉपर होता मैं। तो गाइस हमें फ़िलहाल दो बुक ढूंढनी है और हमें वन बुक तो मिल चुकी है, सेकंड बुक के लिए हम सर्च करते हैं। वेट, मुझे एक और साइन नज़र आया है वो रहा। ठीक है तब यहीं से देखते हैं शायद। ओके यही रास्ता होगा। चढ़ जा, फिर से ऐसी कुछ मेमोरीज वापस आ गई हैं भाई।
चारों तरफ कांटे वांटे लगा कर रखे हुए सालों। तो गैस ये एक निशान और है और हमें इसके अंदर जाने का रास्ता। ओ भाई निशान जा बिल्ले मैं कट कट आके फारिग हो जाएगा। ओके समझ गया, मुझे इसका पावर कट करना है। इसको ड्रॉप कर दो वहीं पे मैं। गैस मुझे यहाँ एक बुक मिलने वाली है। थोड़ा पानी वानी पी ले भाई। गाइस यहाँ B12 की फिर से कोई मेमोरी है जो इसको मिलने वाली है। ठीक है मुझे बस मुझे सुनना नहीं है इसकी बैंड। सॉरी। ओके अरे अरे चढ़ चढ़ भाई ऊपर चढ़ बिल्ले हमारे। यार तो घूम फिर के मैं यहीं पर आ गया। तो ये क्या सीन है, तो घूम फिर के फिर से मैं यहीं पर आ गया भाई। ओके ये री बुक। ओ तेरी खैर। तो गाइस मुझे एक और बुक फाइंड करनी है, उसके बाद मैं यहाँ से मोमो के पास जाऊँगा, उसका ट्रांसमीटर ठीक करूँगा, उसके बाद देखूँगा क्या करना है। चढ़ जा बिल्ले बड़ी जल्दी में भाई। तो गाइस मुझे एक और तो रॉफ ट्यूब मिल गया। यहाँ क्या नहीं, ये वही वाला है, मैं वहाँ से आ चुका हूँ। मुझे एक और ढूंढना है। मिल जाए आसानी से, आसानी से ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। शायद वही है, हाँ वही है। चढ़ जा बिल्ली मेरी प्यारी बिल्ली, चढ़ जाओ। ओके गाइस तो मुझे शायद यहीं पे मिलेगी वो मेरी तीसरी किताब। अब मैं इस पर ढूंढूंगा कहाँ। शायद इसके अंदर शायद मिल गया मुझे एक ऊपर वहाँ एरो तो बना हुआ आया था, वो कहाँ
लो भाई, मुझे लगा शायद यहाँ किताब ही इसकी सोने की जगह थी। उड़ जा भाई प्यारी बिल्ली। तो गाइस ढूंढना पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे एक रूम है। हेलो आई फाउंड द की। ओके तो गाइस हमें यहाँ एक की मिल गई है, हो सकता है वो किसी सेफ के अंदर हो। अब बस मुझे वो सेफ ढूंढनी है, वो सेफ कहाँ है। ओ भाई तुक्का है, पक्का तुक्का है मेरा ये, ज़बरदस्त। मुझे समझ में आ गया किसने किस किताब के नीचे ही मैडम ये दफन होगा। फाइनल द लास्ट नोटबुक। तो गाइस हमें चलना है मोमो के पास, उसका ट्रांसमीटर ठीक करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। मुझे ये सिटी वैसे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है, चारों तरफ रोबोट्स हैं जो मुझसे डरते हैं। चलो 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 मेरी बिल्ली, अरे वाह बिल्ली चढ़ जा प्यारी बिल्ली। हे लिटिल वन द गेट, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर दोज अनलेस नोटबुक? यस ऑफ कोर्स। अरे सबर करो ना, दे रहा हूँ। वाओ वेट, यू एक्चुअली फाउंड ऑल माय फ्रेंड नोटबुक, ठीक है। और व्हाट दैट नॉट ट्रांस रिसीवर कैन बी रिपेयर, दिस इज इनक्रेडिबल। ओके दैट्स मींस वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट आउटसाइड ऑफ द स्लम्स। ओके सिनेमैटिक डॉग, आई एम सॉरी, थैंक यू, यू माइट टू एबल टू फाइंड योर वे अब। नाउ लेट फिक्स दिस पीस ऑफ अ जंग ट्रांसीवर, टैप टू एंड। तो गाइस फाइनली हमें वो चारों नोटबुक मिल, चारों नोटबुक को हमें मिल चुकी है और हमने इस ट्रांसीवर को प्रॉपरली वर्क करने के काबिल कर दिया। अब ये अपने दोस्त को ढूंढेगा जिससे वो कम्युनिकेट करेगा। कम विथ मी के, जिससे हम इस सिटी से जा सकते हैं। ठीक है सीक्रेट। अब देयर सी द बिल्डिंग हाई अबव द अदर्स, इफ यू इंस्टॉल द ट्रांसीवर एट द वेरी टॉप ऑफ दैट टावर वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद द होल सिटी। माय फ्रेंड माइट स्टिल बी आउट देयर, there is a way out, there is no it, you are the only one small and quick enough to evade this sucks, we need you little outsider bring us to the sky। हाँ मुझे पता है बिल्ली ने बिल्ली की मार कर रखो। तो गाइस हमें मेरे ख्याल से दैट वन, ऑलराइट लेट्स गो, पुट द ट्रांसीवर ऑल द वे ऑन टॉप ऑफ दिस बिग बिल्डिंग। तो गाइस हमें उस वाली बिल्डिंग पे जाना है और रास्ता जो है हमें पता है। चलो चलते हैं इस वाली बिल्डिंग में, इट्स एन एडवेंचर गेम। अब पंगा ले ही लिया, छोटा बड़ा क्या देखना। तो गाइस ओके रॉक ऑफ द टॉप लिखा हुआ आ गया, और जिस तरह ये साउंड आया ना मुझे डर लगने लगा मुझे, और ये मुझे पता था ये आने वाले हैं। ये साले खून पीने वाले कीड़े मेरा पीछे लगे हुए, तो चलो घुमा दिया हमने इनको फिलहाल। तो
अरे यार शिट मैन, ये तो गलत हो गया हमारे साथ। ओवर कॉन्फिडेंट में तेज हो गए हम, बात ये थी। बट कोई नहीं, अपन खेल लेंगे। आए हम है कहाँ पे? इतना इजी रास्ता था, इसमें मर गया मैं। गाइस फिर से बीट 12 की मेमोरी कुछ वापस आ गई है, मुझे सुनना नहीं है फिर से इसकी मेमोरीज के बारे में, बट जो मेरे काम की होगी वो ज़रूर सुनूंगा। वाओ ऐसा लग रहा है कि मंजिल बहुत दूर है गाइस, और ये मैं आ गया हूँ डेंजर जोन में। मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया है। तो यहाँ बहुत ज्यादा ही कीड़े होने वाले हैं। वो खून पीने वाले जैक राइडर्स था जो भी है वो। भैया आवाज ना निकालो, हमने तुम्हें वहां पीछे छोड़ दिया। आराम से जाएंगे अपने वहां पे। ओके अबे चल भाई, बिल्ली बिल्ली के नखरे हो रहे हमारी, भूखी ही लग रहा है। कुछ खाने का दे दो भाई बिल्ली को हमारी। चलो कैटी बाहर आ जाओ। तो गाइस वो मचलने मेरा खून पीने को, मगर मैं उनको अपना खून नहीं पिलाने वाला फिलहाल, अभी तो नहीं। वहाँ और भी बहुत सारे सामने मेरा वेट कर रहे हैं। हेलो जैक, खूनी दरिंदो, पप्पा आ गए। तो गाइस हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, और यहाँ से जो ये वाली सिटी है डेथ सिटी, ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है सच्ची में। पूरा धुआं धुआं सा हो रखा है, और ये चारों तरफ ये खून पीने वाले कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। ठीक है मैं समझ गया, मुझे इस वाली लकड़ी को यहाँ पुश करना है, और डैम। चलो तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी लोकेशन आ गई है, और मुझे यकीन है मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। मेरे कीड़े मकोड़े वहाँ घूम रहे हैं। अरे भैया जाने दे जाने दे, मुझे जाने दे। यहाँ और भी आ गए, मुझे सामने जाना है। ओ तेरी, गाइस ये दरिंदे मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आए इतने सारे यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे कैसे बचूं? ठीक है मुझे सारे डोर को पहले खोलना है। Thank you.
गाइस मैंने वहाँ से सारे के सारे कीड़े वहाँ आ गए। बहुत ही इजी था मेरे ख्याल से, बहुत ही ज़्यादा इजी था मेरे लिए ये तो। ओके गाइस आराम से इस वाले पुल करते हैं इसको। मुझे यहाँ जाना था, मैं आ चुका हूँ। अबे यार नॉट अगेन, ये मेरे पीछा नहीं छोड़ने वाले। जा ले दे बस 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 भाई, छप 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 आवाज़ें आ रही है अजीब अजीब सी इनके अंदर से। बहुत ही घिनौने टाइप के कीड़े हैं ये। सो गाइस अब हम आ चुके हैं बिल्कुल मिड में, हमारा बस थोड़ा सा थोड़ी सी दूरी और जाना है। ये लिफ्ट है यार, मेरे ख्याल से ये लिफ्ट की जगह है, मगर लिफ्ट है कहाँ? ओ यहाँ पे मुझे शायद ब्रेकर दिख रहा है। ओके डन, सुई डाउन करना होगा और ठीक है, और साथ ही मुझे लिफ्ट के साथ मुझे कीड़े भी मिलने वाले हैं। वो भैया बचत, तो मुझे इनसे बच के चलना है गाइस फिलहाल। ओके लिफ्ट नीचे आ गई, और कीड़े भी तो आ गए। गाइस कीड़े देखो कैसे खतरनाक, तो ये डेंजर टाइप, वो देखो भाई ये कोई रोबोट वोबोट नहीं है, ये कोई गंदगी वाले कीड़े हैं ये। और ये गिरे जा रहे मेरे ऊपर। तो गाइस हम फाइनली रूफ टॉप रूफ पे आ चुके हैं गाइस, चल चढ़ जाए मेरी बिल्ली। यहाँ तो नहीं ना वो। हे हियर द पुट द ट्रांस रिसीवर ऑन दिस एंटीना। ओके स्टेप टू एंड। तो गाइस मुझे यहाँ रिसीवर लगाना है दिस आइटम। ओके गाइस बहुत ही इजी था, मुझे तो बड़ा इजी लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओके हमने रिसीवर को ऑन कर दिया। धस तो गाइस हमारी कैट काफी ज्यादा होशियार है, इसने बहुत ही कमज़ोर हो के भी दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, बट हमने ये गेम बहुत खेल लिया है, मुझे मज़ा आ रहा है गाइस। लुक द व्यू एट ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर, वाकई में यार यहाँ पर सिटी अच्छी लग रही है। इट्स रिमेंबर नाउ द सिटी इट्स व्हाट्स मेड टू बी अ शेल्टर। ओके तो गाइस अब हम दोस्त मोमो अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकता है जो सिटी के बाहर है, उनसे भी हम उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। द आउटसाइड वाज अ डिस्टेंस कंपैरेटिव बैंड अवेलेबल एंड जस्ट ठीक है, बट इफ यू कम फ्रॉम देयर इट मस्ट मीन इट सेफ अगेन एंड माई प्रॉमिस वांट्स टू जस्ट टू गो द आउटसाइड इट वांट्स टू ओपन द सिटी। ठीक है भाई, B12 ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मुझे इस सिटी से बाहर निकाल कर ही छोड़ेगा। It still don't understand why some memories are coming back and others aren't. But I am certain now this my purpose. I have to open this city. Come on, let's go back and find Momo now that we connect the transmitter. We should be able to get help. तो गाइस हमने ट्रांसमीटर यहाँ लगा दिया है, अब हम चलते हैं सीधा मोमो के पास। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये गेम प्ले कैसा लगा।
मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।